हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्ट। ऑलराइट, दिस इज मलिक अली शनावर। इतने क्वेश्चंस आते रहते हैं फॉर्म डी को रिलेटेड, कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, आसान है या मुश्किल है, फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या सब्जेक्ट होते हैं फॉर्म डी, और डॉक्टर साथ लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, तो जिस वीडियो में एक स्पेसिफिक टाइम है फॉर्म डी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब दे दिया जाए। उम्मीद है इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या होता है फॉर्म डी में, किसे कहते हैं फॉर्म डी, ऐसा माइंड बना हुआ लोगों का, तो बताते हैं। So before starting all these questions, let me introduce about myself. मेरा नाम मलिक अली शनावर है, मैं फॉर्म डी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और यूट्यूब पे वीडियोज भी हसबे जायका हसबे शौक बना लेते हैं कभी कभी, बस वीलॉग ना छोटे से, ऐसा लोग कहते हैं, व्लॉग कहना किसी को नहीं आता, वीलॉग कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले जो आज का सवाल है वो ये है कि फॉर्म डी आसान होती है या मुश्किल होती है, इस फॉर्म डी इजी और डिफिकल्ट। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर शरीफ ये है कि मैं एनुअल सिस्टम में पढ़ता हूँ और मुझे प्रॉफ सिस्टम का ही पता है, और ये एनुअल के अकॉर्डिंग ही जवाब दूंगा। फॉर्म डी ना तो बहुत ज्यादा आसान है और ना ही टू मच डिफिकल्ट है। कुछ लोगों का माइंड ये बना होता है कि फॉर्म डी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, डेली नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, एमबीबीएस बीडीएस से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, देयर इज नथिंग लाइक दिस। आप अगर डेली नहीं भी पढ़ते, आप वीकली पढ़ लेते हो और एंड में जाके दो तीन महीने आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो, तो भाई साहब आप फॉर्म डी कर लोगे, इजीली कर लोगे। बट यहाँ पे एक छोटी सी टिप है फर्स्ट ईयर वालों के, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आप पैनिक जरूर होंगे, स्टार्ट में लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, बट विद द टाइम आपको बुक्स का भी पता लगना शुरू हो जाता है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करना है, एंड ग्रेजुअली जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम पास आना शुरू होते हैं आपको काफी हद तक आइडिया हो चुका होता है। जाहिर सी बात है आप एफ एस सी करके आए हो, 60% मार्क्स आप सबके होंगे, आप कर लोगे, इजिली कर लोगे, स्टार्ट में पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आस्ते आस्ते पढ़ते जाओ, वीकली पढ़ते जाओ, मंथली आपके टेस्ट होंगे, आपके पेपर होंगे, और ये सारे टेस्ट और एग्जाम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के काबिल हो सके। सो फॉर्म डी इज नेदर एन इजी नॉर अ डिफिकल्ट कोर्स। लो जी भाई साहब, सत्यानाश मार दिया हुआ है, कोई प्रॉपर किस्म का एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं हो रहा, अब क्या करें, फॉर्म डी, डीपीटी, डीवीएम, कोई बीएस करें, क्या करें? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डीपीटी, डीवीएम, इन सब बीएस वगैरह से बेहतर है कि आप फॉर्म डी की तरफ जाएं और फॉर्म डी को ही आप चूज करें। अगर आप फॉर्म डी के स्कोप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने एक फॉर्म डी के स्कोप के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, आप जाके वो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म डी का स्कोप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर टू मच केमिस्ट्री इन फॉर्म डी, क्या फॉर्म डी में वाकई बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है? तो द सिंपल आंसर इज नो। यस, फॉर्म डी में केमिस्ट्री होती है, फर्स्ट ईयर में एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड फिफ्थ ईयर में भी एक सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का जिसमें केमिस्ट्री होती है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपको पांचों सालों में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, होती जरूर है लेकिन इतनी होती है कि अगर आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए हैं तो आप फॉर्म डी की केमिस्ट्री भी कर ही लेंगे। देयर इज नथिंग टू बी वरीड कि फॉर्म डी में केमिस्ट्री बहुत होती है तो पढ़ा नहीं जाएगा, ये वो पढ़ा जाएगा, आसानी से हो जाएगा। विच यूनिवर्सिटी, 1000 इतने नंबर आ गए भाई, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओ, एक ग्रुप वो है और दूसरा ग्रुप है भाई बस 60% कंप्लीट हुआ है, और सुना हुआ है सामने कि 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर्म डी का, तो हम अब क्या करें? तो देखो भाई, बात सिंपल सी है कि अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ही रखें, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी या यूवास, ना केस आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एक मेरिट नहीं बना तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आपको घूमने फिरने के बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल ही जाएगा। बट यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि वो जो इंस्टीट्यूट जहां पे आप एडमिशन ले वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज हो, ये कहां से पता लगेगा कि आया वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज है या नहीं? गूगल पे जाए, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट खोले और टॉप पे ऑप्शन होगा इंस्टीट्यूट, उसमें कंप्लीट लिस्ट होगी जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है और जिन इंस्टीट्यूट को एनओसी भी ग्रांट हो चुका है, आप उधर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जनाब, अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं फॉर्म डी में। फॉर्म डी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो एमबीबीएस से 19-20 हैं, थोड़े से सब्जेक्ट का डिफरेंस है, और वो ये कि फॉर्म डी में 2 से 3 सब्जेक्ट ज्यादा है एमबीबीएस की कंपैरेटिवली, पढ़ना पड़ता है लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़ लो तो इंशाल्लाह हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि डेली का डेली करना पड़ेगा, जो एक मुहावरा सेट हुआ है टीचर्स का या स्टूडेंट्स का, थीटे, ऐसा नहीं है, आप वीकली पढ़ो, इवन मंथली पढ़ो तो आपका हो जाएगा, लेकिन मंथली फिर आपको एंड पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लोरी सारी चीजें पता चल गई, अब फीस स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर्म डी यूनिवर्सिटी में? तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फीस स्ट्रक्चर कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हर यूनिवर्सिटी का अपना फीस स्ट्रक्चर, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी सी कम होती है, अगर आप किसी
एफिलिएटेड कॉलेज में जाएंगे, इस वजह से कि उन कॉलेजेस ने एफिलिएटेड कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली हुई होती है तो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर गवर्नमेंट सेक्टर एंड एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। लॉजिक कार्डली फार्मडी, हमने सब कुछ समझ आ गया। अब क्या एक फार्मडी स्टूडेंट एक फार्मासिस्ट 5 साल डिग्री करने के बाद अपने नाम के साथ डीआर डॉक्टर लिख सकता है? ये बहुत सी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स डाल दिए गए हैं कि एमबीबीएस के अलावा कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता या दिस एंड दैट। तो इसका जवाब ये है कि यस, अ फार्मासिस्ट कैन राइट प्रीफिक्स डॉक्टर विद हिज नेम। उसकी वजह यह है कि आपने एक नोटिफिकेशन भी देखा होगा यूएचएस की तरफ से, जिसमें उन्होंने वो डिटेल बताई हुई थी कि एक फार्मासिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकता। तो इसका आंसर यह है कि यूएचएस हैज नो कंसर्न विद फार्मडी स्टूडेंट्स। फार्मडी स्टूडेंट जो है उनका कंसर्न एचईसी से है और एचईसी के बाद उनका कंसर्न पीपीसी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से है। एचईसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक फार्मडी स्टूडेंट अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं। और क्या फार्मडी में एडमिशन लेने से पहले एंटी टेस्ट देना जरूरी होता है? क्या यूनिवर्सिटी इसका भी अपना टेस्ट होता है? तो इसका आंसर ये है कि एंट्री टेस्ट जो यूएचएस कंडक्ट करवाता है वो जरूरी नहीं होता। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट होता है, वो यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक वो टेस्ट लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मोस्ट प्रोबेबली 80% में कोई टेस्ट नहीं होता। तो आपको विदाउट एनी एंट्री टेस्ट एंड दिस एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% मार्क्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको फार्मडी का पूरा पजल समझ में आ गया होगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप पूछते हैं तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि मैं एक स्किल पे बिलीव करने वाला बंदा हूं। 5 साल की डिग्री के बाद आपको उतना एक मेडिसिन के बारे में शायद ना पता हो जितना 2 से 3 साल का एक वो जो स्टोर पे एक मेडिकल स्टोर पे लड़का लगा उसको मेडिसिन का पता होगा। उसकी वजह ही यही है कि उसने किया हुआ है प्रैक्टिकल उधर मेडिसिन के पास खड़े होकर, और हमने जस्ट पढ़ी होती है थ्योरी। उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आप एक पूरी डिस्कशन बना सकते हैं, बट दिस इज द रियलिटी कि स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। और जब भी आप 5 साल डिग्री करेंगे तो आपको नौकरी आपके मार्क्स पे नहीं आपके स्किल पे दी जाएगी कि आपको काम कितना आता है, आप कितना मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो ये एक मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर आपको फार्मडी बहुत ज्यादा पसंद है तो अपनी स्किल पे फोकस करिएगा या फिर वो काम करिएगा जो काम करने में आपको बड़ा मजा आता है, जिस काम करने में आपका दिल लगता है और आप इंजॉय करते हैं। उसका रीजन ये है कि आप सारी जिंदगी काम वही अच्छे से कर पाओगे। जिस काम में आपको मजा नहीं आता, जिस काम में आपका दिल नहीं लगेगा, आप 1-2-3 साल तो पढ़ तो पाओगे और फार्मडी भी शायद कर लो लेकिन पूरी जिंदगी आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहोगे। दिस इज अ वेरी पर्सनल रिकमेंडेशन फ्रॉम मी कि हमेशा काम वो करेगा जिसमें आपका दिल लगे, क्योंकि एज ऑलवेज मैं हमेशा ही कहता हूं दैट यू शुड फॉलो योर ड्रीम। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। छोटी सी गाइड थी, मुझे लगा के बनानी चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट में पूछा होता है लोगों ने, तो यही सारे मोस्टली क्वेश्चन थे जो मुझे आते हैं, तो मैंने चाहा कि क्लियर करूं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं। अगर मैं किसी वजह से इधर रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उधर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल्स नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।